जैन छात्रियों मार्कोस टीम, गांधी मैदान पटना में स्वागत है आप सभी का। और जो भी अभ्यर्थी फायरमैन में चयनित हुए थे वो सभी काफ़ी फ़ोन कर रहे थे और काफ़ी परेशान हैं वो लोग कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो 2380 पोस्ट के फायरमैन अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी की एक्चुअल जो डेट है ज्वाइनिंग की वो आ चुकी है और मैं आप सभी को उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे जो अभ्यर्थी 2380 पोस्ट के लिए पास किए तो वो गए थे ऑफिस में पता करने के लिए और पता करने के बाद वहाँ पे एग्जैक्ट बताया गया है कि 20 से 25 तारीख के बीच में उनकी ज्वाइनिंग होगी, यानी कि अप्रैल के लास्ट में आप सभी को ज्वाइन कराया जाएगा। उसके लिए आप सभी तैयार हो जाए। कोई भी लड़का ज्वाइनिंग से पहले इधर उधर ज़्यादा बाइक से या किसी भी अन्य चीज़ों से जैसे कार वार वगैरह जो भी है उससे आपको नहीं घूमना है। एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगी तो शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशानी आ सकती है। ज्वाइनिंग तक आप सभी एकदम पैक रहिए, रिजर्व रहिए, बहुत बेनिफिट होगा। जब ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको जो करना है करिए, लेकिन अभी रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा हमारे हिसाब से। और जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप बिहार फायर सेवा में ज्वाइन करेंगे और आपको इसमें सेवा देने का मौका मिलेगा। मार्कोस टीम उस सभी जवान को, उस सभी अभ्यर्थियों को दिल से बधाई और धन्यवाद देना चाहती है जो 2380 पोस्ट में चयन हुए। और मैं उन सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सभी ज्वाइनिंग के बाद बिहार में जो भी बच्चे हैं बेरोजगार उन पे आप सभी ध्यान देना। अपने गांव में, अपने समाज में जो भी नीचे तबके के लोग हैं या जो भी लोग जो भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप सभी कितना मेहनत करके जा रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को, उन सभी लड़कों को, उन सभी नौजवान को आपको प्रेरित करना है बिहार पुलिस ज्वाइन करने के लिए। और किस तरीके से वो बहाल होंगे, उनका पूरे चीज़, पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वो आप उन्हें बताएं और उसके लिए उन्हें हेल्प करें, यही उम्मीद रहेगा आप सभी से। और मार्कोस टीम हमेशा सभी नौजवान भाइयों के साथ है। आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, इनकलाम जिंदाबाद, भारत माता की जय।